गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या जी, हमारे जो टांगे हैं उसके हालात थोड़े से ख़राब हैं। आज ऐसा लग रहा है कि शरीर नहीं नहाया है, आज सिर्फ पानी पैरों पर डाला गया है। मतलब ऐसा लग रहा था कि सिर्फ डाल रहा हूँ, करकराहट होती है ना जो आह वाली, वो निकली आज तो। और आज वापस से हमारे को पहाड़ चढ़ना है। यही है सीन, आज हमारे को जाना है जी। ये जो भरमौर साइड है, इसका एक लास्ट विलेज है जहाँ पर हम गए थे हडसर। हडसर से ऊपर कुछ 12 किलोमीटर है कलगी। कलगी में जाना है जहाँ पर है कार्तिकेय टेम्पल, जिसके लिए हमारे को करना पड़ेगा 4 किलोमीटर का ट्रैक वापस से, और वो भी इन टांगों के साथ। तो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है, वक्त लगेगा, पर कैसे होएगा ये हमारे को नहीं पता। पर मौसम बहुत साफ़ सुथरा है, हालात भी थोड़े ठीक है, थोड़ा समेट लिया अपने आप को, तो अच्छा तो फील हो ही रहा है। तो ऐसे ऐसे मौसम में और ऐसे दर्शन करने के बाद, आपको दर्शन करवाने के बाद आपसे पूछ लेते जी, किद्दा हो जी, सारे बढ़िया आप पोत दिया रब दी मेरे, क्या ही दसिए जी। मज़ा तो आ रहा है, आज जाएंगे उसके लिए भी एक्साइटेड है, क्योंकि पहली बार ऐसा है। क्योंकि सब रास्ते में भी सब्सक्राइबर मिले, उन्होंने भी बोला कलगी जाना है। यहाँ पर भी जो लोग हैं वो भी बोले कि यहाँ पर जाना है, पर यहाँ पर अभी क्या है कि लोग बहुत हो गए हैं, इस वजह से ना, एक तो आपको इंटरनेट का इशू हो सकता है क्योंकि इंटरनेट बहुत कम आ रहा है यहाँ पर। बाकी तो माहौल बढ़िया है जी, अच्छा है, पहाड़ों पर हैं, सुबह उठ के देख रहे हैं ये वादियाँ, खूबसूरत लग रहा है, यही सीन है। चलो आपको एक नई जगह दिखाते हैं आज, अनएक्सप्लोर्ड। चलो जी, देख रहे हो जी ट्रैफिक कितना है। पहले हम रहे थे ऊपर वाली साइड में जिस दिन आए थे, अब हमारे को जाना है जी नीचे की साइड। मेला चल रहा है ना, इस वजह से भीड़ बहुत है यहाँ पर। उस दिन जिस दिन हम पहुँचे हैं यहाँ पर, तो एम्बुलेंस निकालनी थी, 15 से 20 मिनट निकल गए इसको निकालने में। सब रुके हुए थे कि एम्बुलेंस को निकलने दो, समझ लो कि ये एक ही रोड है जिस पर इतना सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। पहले निकालते हैं जी इसको, ट्रैफिक से निकालते हैं बाहर। भरमौर से कलगी है जी कुछ 23 किलोमीटर। अगर आप भरमौर में आते हो या मनी महेश करके भी आते हो तब भी आप जा सकते हो, अगर आपको रिलैक्स करना है। बाकी वहाँ पर रुकने उकने का क्या है वो आज आपको बता देते हैं जी, कैसा सीन है वहाँ पर। पर ये है कि गांव की बहुत खूबसूरती सुनी है हमने, कि बहुत ही खूबसूरत सा गांव है, बहुत ही पुराने पुराने घर हैं। कैसा है वो सानू जाके पता लगूगा, पहले साढ़े बेली चक लिए एक। पर बाइक ना बहुत ही गंदी हो गई है, जिसकी वजह से आपको ये थोड़ा सा सामने वाला सीन देखने में बड़ी गड़बड़ हो रही होगी। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर निकलने से पहले धुलवा पाए तो धुलवाएंगे, आज तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये हम हडसर की तरफ पहुंच रहे हैं, ये गाड़ियां जो लगी हुई हैं सब लोग ऊपर गए हैं, जो मनी महेश के लिए उसकी पार्किंग है। मतलब अभी भी 2-2.5 किलोमीटर बाकी है हडसर, इससे आइडिया लगा लो कि कितना ही ट्रैफिक होएगा अभी। मोस्टली तो हमारी गलती है, क्योंकि हम ब्लॉग में दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं 2 साल से लास्ट बहुत भीड़ आ रही है, और आगे मेरे को लग रहा है और बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली। जैसे केदारनाथ में हुआ है वैसे यहाँ पर हाल हो जाएगा, फिर सब चीज़ें लोग बोलेंगे रुकने की जगह नहीं है, ये नहीं है, तो यही वाला सीन है जी। बाकी बहुत ही खूबसूरत है यार, अलग ही लैंडस्केप है यहाँ पर पहाड़ों का, यही सीन है। जहाँ जहाँ पर जाते जाओगे थोड़ा थोड़ा दूर पे लैंडस्केप ऐसा अलग चेंज होता है ना, देखने का ही मज़ा आ जाता है। ये पहुँच गए जी हडसर, जहाँ से हमारी मनी महेश की यात्रा शुरू हुई थी। यहाँ तक आपको नीचे से यहाँ तक कैब करके आना पड़ता है, 100 रुपये लेते हैं जब आप मनी महेश यात्रा करने जाओगे, तो आपको यहाँ तक आना पड़ेगा, यहीं से यात्रा शुरू होएगी। तो जितना टाइम मेला चल रहा है उस टाइम तक तो आपका कोई खर्चा है नहीं, क्योंकि लंगर लगे हुए हैं बहुत सारे, पर जैसे ही मेला ख़त्म होएगा वापस से नॉर्मल कैंटीन नॉर्मल। ये तो ये है, क्योंकि कई लोग गलतफहमी ना हो कि लंगर लगा रहता है, नहीं जी, ये सिर्फ जितना टाइम मेला है। इत्तेफाक से हम मेले के टाइम पर मनी महेश की है, तो इसलिए हमारे को सब जगह लंगर और फैसिलिटी ज़्यादा मिली है। ये ऊपर देख रहे हो जी, ऊपर ये वाला पहाड़ उतर के आए हैं हम, वो कहाँ तक जाके आए थे यार, अब देख रहे हैं तो ऐसे लग रहा है यहाँ से हमारा ट्रैक ख़त्म हुआ था।
यहाँ से आपको ये लोहे वाला पुल क्रॉस करना है और उसके बाद मतलब हड़सर तक तो आना ही आना है। हड़सर के बाद यहाँ से कुछ 12 किलोमीटर रह जाता है, 12 किलोमीटर अलग रास्ता है, वहाँ पर जाके ही क्रॉस होएगा। मोस्टली ट्रैफिक तो यहीं तक होता है क्योंकि इस तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, पर जाना ज़रूर चाहिए क्योंकि जिस तरीके से तारीफ सुन रहे हैं आज पता लगेगा कितना तारीफ़ काबिल है ये। रोड की कंडीशन मतलब आपको दोनों फील दे देगी कि काफ़ी अच्छी सड़क भी मिल जाएगी और बीच में ऐसा सब ख़राब भी मिल जाएगी क्योंकि बारिश वारिश होती रहती है और पत्थर वत्थर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती है, जिसकी वजह से सड़क की कंडीशन आपको बाइक चलाने का फील तो मज़ेदार आ जाएगा। मतलब हमारी बंजारन तो बनी ही नहीं सड़कों के लिए, इसलिए और मज़ा आ रहा है। और हल्की हल्की सी बारिश शुरू हो गई है, बस ये याद रखिएगा यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि क्योंकि जब एंटर किया हूँ उसके बाद नेटवर्क नहीं आ रहा है, बाकी वहाँ पर जाके देखता हूँ कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा, फिर मैं आगे का फील आपको बताते हैं जी। बाकी रोड की कंडीशन सही है ये बता रहे हैं जी हम आपको। क्या गल है जी, बीच बीच में आया जी डेंस फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर से निकलना है और सड़क के हालात तो आप देख ही रहे हो क्या है। बस मेरे को लग रहा है और थोड़ी दूर ही रह गया, पहुंच जाएंगे हम, पर राइड करने का जो मज़ा आ रहा है ना वो अलग ही है। गाड़ियाँ जो है वो पीछे लग जाती हैं, उसके बाद 500 मीटर पैदल चल के आना पड़ता है। हमारे पास बाइक है इसलिए हम आगे तक पहुंच रहे हैं जी बाइक लेके, नहीं तो ये देख लो आप रास्ता, यहाँ पर गाड़ियाँ नहीं आ सकती, तो आपको गांव तक पैदल चल के ही आना पड़ेगा। बाइकें लग गई हैं हमारी, मेन बात जो मैंने आपको बोली कि गाड़ियाँ बहुत पीछे लग जाती हैं, उसके बाद जो हम रोड से आए हैं वो बहुत ही प्यारी थी, मतलब उसका स्वाद ही अलग था। और यहाँ पर पहुँचने के बाद ना ऐसा फुल विंटेज वाला फील आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। विंटेज वाला फील क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो घर देख रहे हो ना ये अराउंड मेरे को लग रहा है कि 200-300 साल तो पुराने होंगे, घर तो बहुत तगड़े हैं। कितने साल पुराने घर हैं ये सबसे पुराना घर कौन सा है यहाँ पर? सबसे पुराना आप अभी जिसको देख लो ये देख लो, ये कितने साल पुराने? 100 साल से कम से कम। 100 साल से, इससे भी पुराना है, इससे भी पुराने पुराने हैं ऊपर। हाँ जी, क्या बात है। तो अभी लोग पक्के घर बनाने लग गए हैं, है अभी भी नहीं? अभी तो पक्के बना रहे सारे, पुराने मॉडल में भी है, पुराने मॉडल में भी है। तो ये पक्के बना रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन इसके पीछे का ये है, जैसे हमने मनाली में पूछा था उन्होंने बोला था कि पुराने घरों में ना टॉयलेट बाथरूम नहीं होता था, इस वजह से आप पक्के बनाने लग गए। कच्चे में भी टॉयलेट बन रहा है, बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा? ये आजकल ऐसे बाहर का देखे देखे कर रहे हैं ना, हम भी ऐसे बनाएंगे। जैसे कोई फर्क अभी है, दिखाओ, चलो चलो सर जी मिल गए, थोड़ा दूर चलना पड़ेगा। हाँ हाँ दूर चलेंगे, कि हमने पत्थर के ऊपर हमने प्लास्टर कर दिया। हाँ नहीं तो जो पहले पुराने लकड़ी वाले घर होते थे वो वाला दिखा रहे हो ना आप मेरे को? तो ये लकड़ी वाले तो हैं सभी, तो ये अभी जो पत्थर लग गए उसकी वजह से तो फिर वो नहीं होता होगा क्या, कि गर्मी ज्यादा होती होगी? नहीं नहीं नहीं, वो जो उसके ऊपर लेंटर पड़ेगा ना। हाँ उस जैसे ये देखो ये वाला अच्छा, ये साथ में ओके ओके। तो ये आपका घर कितना साल पुराना है? 25 साल हुए ये लकड़ी वाले को। हाँ घर तो आपका बहुत खूबसूरत है। ये टॉयलेट ये तो बाद में बनाया है ना, ये बाद में बना है। हाँ। वो सब हाँ, ये पुराना घर है, मॉडल ही पुराने मॉडल ही पुराना है। सही है, घर तो खूबसूरत है, ऐसे उखाड़ के डाला है। अच्छा देख रहे हो, यानी कि जो अब पुराने घर थे वो कम हो रहे हैं, नए पक्के बना रहे हैं सीमेंट वाले। नहीं सीमेंट वाले भी कुछ ऐसे देखो पार सामने दिख रहा है, ये कच्चे में है, लकड़ी का है टोटली। ठीक है बढ़िया,
तो अच्छा है, बहुत पुराने पुराने घर देख के अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सब जैसे पुराना पुराना, इनका खुद का घर देखो, कलर कितना अच्छा किया इन्होंने, ब्लू कलर आपकी चॉइस थी ये। चलो अब ऊपर लेके चलते हैं आपको धीरे धीरे। तो बंटी भाई अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी जी के टेंपल। शिव जी भोले के दूसरे सुपुत्र थे जिनको नहीं पता हो, क्योंकि सबको गणपति जी का पता है। वैसे तो माइथो के बारे में सबको पता होगा, पर कार्तिक स्वामी जी के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। वैसे पता ही होगा। हाँ, बहुत सारी कहानियाँ हैं कार्तिक जी की। खीर गंगा जाओगे तो आपको पता लगेगा खीर गंगा की कहानी के पीछे कार्तिक जी का वो था, क्योंकि एक कहानी थी कार्तिक जी मंदिर के सामने सुनाते हैं। ये वाली कहानी याद रखना, मेरे को आपको सुनानी है, बता देना है। ओके ओके। तो अभी हम ऐसे थोड़ा सा यहाँ से 4 किलोमीटर का ट्रैक है और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हाँ, जंगलों से होते हुए हमें मंदिर तक पहुँचना पड़ेगा। वाह, मंदिर लेके चलते हैं। सामने हमारे दिख रहा है झरना, पहले वो दिखाते हैं आपको। ओम शांति, ओम शांति। ये है जी हमारा ट्रैक। एक तो ट्रैक खत्म नहीं हो रहे, पैरों में ताकत नहीं बची है, फिर भी चलना है क्योंकि आपको दिखाना है और खुद को देखना है। चलते चलते हम पहुंचे और रास्ते में ना एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें बोला कि आपके कुछ खोए हुए दोस्त, पूर्वज, साथी आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। वो है जी ये, देख लो, ये आपको मिल सकते हैं। डू यू नो बेस्ट, मिलेंगे तो काम हो जाना है, काम खत्म, सरप्राइज। आई होप ना मिले, क्योंकि अब इतने लोग जाने लग गए हैं, ये तब की बात होती होगी जब। पर है ये डेंस जंगल और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमारे को ना पहले लगा था कि भालू होंगे नहीं, पर जिस तरीके से ये वाली साइड में हमारे को डेंस जंगल दिख रहा ना जी, देखो उस तरीके से हमारे को लग रहा है कि चांसेस हो भी सकते हैं, क्योंकि तब तो बहुत ज़्यादा होते होंगे। अभी तो फिर भी हमारे को खुलापन दिख रहा है इसमें कितना है या नहीं है। बाकी जो ये ट्रैक है अभी तक वो ट्रैक वाला फीलिंग नहीं आया, अच्छी बात है, जो कि क्योंकि हमारे पैरों में ताकत नहीं है। पर ये जिस तरीके से अभी फ्लैट फ्लैट चल रहे हैं तो उस हिसाब से तो अच्छा है। भोले और भोले के बेटे सब ऊपर नीचे कहीं ना कहीं बैठे होते हैं, हमारे को ये परेशानी है। जय भोले। चलते चलते जिंदगी में एक मोड़ आता है जो आपको बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये वो मोड़ था जहाँ पर आपको सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत लग रही है ना, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, क्या ही दिख रहा है चारों तरफ। आई नो ऊपर जाके बहुत ही खूबसूरत होने वाला है, पर ये जो जगह थी वहाँ पर मेरे को लगा कि देखो ना यार, ये जगह पर खड़े हैं हम, रब दी मेरी है वीरे, एवें तो नहीं पहुँच पाते असी।
आपको लेके चलते हैं कार्तिक महाराज के दर्शन करवाने। तो ऐसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, यहाँ पर लिखा हुआ है जय केलंग बजीर, ये यहाँ की लैंग्वेज में कार्तिक महाराज को बोलते हैं। तो आइए अब आपको मंदिर में ले चलते हैं। और यहाँ के मंदिर की खासियत है, एक जो मेरे को पता लगी, घंटियाँ बहुत हैं यहाँ पर। थैंक यू। मार्च अप्रैल तक पड़ती है, तो फिर आप यहीं रहते हो उस टाइम पे या नीचे चले जाते हो? हम कवाटर कर देते 30 नवंबर को। 30 नवंबर को, ओके। फिर कब कोई नहीं आता यहाँ पर, हम भी नहीं आते। तो फिर कब तक, मतलब बैसाखी को खुलता है? बैसाखी को खुलता है। और कितना टाइम खुला रहता है फिर? 30 नवंबर तक खुला रहता है। तो आप ही होते हो हमेशा? अरे क्या बात है, क्या नाम है आपका? सतपाल जी, शुक्रिया। जय भोले जी, जय भोले। आपको बहुत ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया, आप बैठे हो सीधा मंदिर में। थैंक यू जी। ज्यादा बर्फ पड़ जाती है? बहुत ज्यादा बर्फ होती है गांव में, पड़ जाती नीचे भी। अच्छा, मगर यहाँ बहुत ज्यादा होती है। यहाँ बहुत ज्यादा होता है तो फिर कोई नहीं आता है। अच्छा, कपाट बंद हो जाते हैं फिर कोई नहीं आता है। क्या बात है। आएंगे दोबारा तो आपसे जरूर मिलेंगे। शुक्रिया जी। आपका नाम भाई? सत्या। सत्या सागर। आप यूट्यूब पे देखिएगा सत्या सागर, आप दिखेंगे उसमें। ठीक है, प्रभु को बोलिएगा सब्सक्राइबर के बढ़ाए हमारे। शुक्रिया। एक सेकंड बस। जय भोले। पंडित जी से हमने पूछा कि यहाँ पर घंटियाँ चढ़ती हैं, तो पंडित जी को हमने बोला हमको घंटी लगानी है घर पे, तो पंडित जी हमारे को घंटी दे रहे हैं। शुक्रिया पंडित जी। शुक्रिया जी, अब जाएगी एनर्जी यहाँ से। शुक्रिया पंडित जी। जय भोले। पंडित जी ने ये हमारे को घंटी देख के मतलब दिल खुश हो गया। मैं ना पिछली बार ये सोच रहा था, जब धारी देवी पे घंटी चढ़ती थी उत्तराखंड में, जब हम पंच केदार कर रहे थे, तो मैंने सोचा था वहाँ से लेके आऊँगा, पर इस बार हमारे को यहाँ से मिली है, मतलब फुल ब्लेसिंग के साथ। कार्तिक महाराज जी का जो मंदिर था वो पहले शायद कहीं ऊपर पहाड़ पे था हजारों साल पहले। फिर बोलते हैं कि लोगों ने बोला कि आप थोड़ा नीचे आओ, बहुत ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है। तो उन्होंने फिर वहाँ से कुछ बांध चलाया था, फिर यहाँ पर मूर्ति निकल के आई थी, तो यहाँ पर फिर मूर्ति की स्थापना हुई थी, उसके बाद यहाँ पर है जी। और यहाँ पर एक माता का मंदिर है, वहाँ पर भी जाना है, वो आपको लेके चलते हैं। चलो, जय भोले। देखो जी, हमने बोला था मराली माता के मंदिर में पहुँच जाएंगे, सिर्फ 500 मीटर दूर है। और ये अभी अभी हमारे जो जिन्होंने कैमरा पकड़ा है उन सूत्रों के हवाले से हमारे को पता लगा है, ये कार्तिक जी की बहन थी। हमारे को पहले नहीं पता था, पर अभी पता लगा है। और यहाँ पर भी आइए, 500 मीटर ज़्यादा दूर नहीं, और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आराम से आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर चुनरी चढ़ती है, और क्या खूबसूरत ऐसा सजा हुआ है ना, सब कुछ देख के इतना अच्छा लग रहा है ना। पीस है यहाँ पर एक, वो आप आओगे ना तो आपको वो जो खुशबू और वो जो एनर्जी है वो आप आओगे तो फील होएगा। यहाँ पर बहुत ही ऐसे प्योर सी वाइब है, क्योंकि एक तो नेटवर्क नहीं आ रहा, लोग कम हैं, और अभी अनएक्सप्लोर्ड है ये जगह, तो इसलिए बिल्कुल ही अलग ही फील है। जाके मत्था टेक लिया जी। पंडित जी, ये पहले माता जी का मंदिर कहाँ होता था?
इधर ही होता था, बोलते हैं कि वो ऊपर होता था फिर तो कभी युगों में था ना, पता नहीं कब आई है, कब क्या हुआ उसका। अच्छा हजारों साल पहले की बात, हजारों साल। अच्छा बाकी जब से देख रहे हैं तब से यहीं पर ही हैं। जब से हम देख रहे हैं तब से यहीं पर, आई ऊपर से ही, आई ऊपर से। यही कहानी हमारे को सुनने को मिली थी कि माता जो थी वो पहले वहाँ पर किसी पहाड़ पर थी, ये मेरे को कंफर्म नहीं है, बट क्या था कि सबने बोला कि बहुत ऊपर है। वही जो कार्तिक जी की कहानी है, वही माता जी की कहानी है कि ऊपर लोग पहुँचने में बड़ी मुश्किल होती थी, पर अब नीचे हैं सब लोग, यहीं पर देख रहे हैं। जैसे वो पुजारी जी ने भी बोला था कि जब से हम देख रहे हैं तब से नीचे हैं, ये भी बोल रहे हैं कि जब से इन्होंने देखा है तब से नीचे ही हैं, पर आए ऊपर से, ये कन्फर्म है। अब हम ऊपर आ गए हैं, अब हम नीचे जा रहे हैं, हमारा भी वक्त आ गया नीचे जाने का। चलिए पहुंच गए जी कुक्ती विलेज वापस से, यहाँ से बाइक उठाएंगे और निकलेंगे। सीन क्या है कि ये जो गांव है, पहले यहाँ तक भी बाइक या गाड़ी कुछ नहीं आती थी, पहले ट्रैक से ही आते थे। अब सड़क वड़क बन गई है तो अच्छी बात है, गांव वालों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अब वो गांव तक सड़क है तो आप आ रहे हैं, इसीलिए सारी फैसिलिटी भी आपको मिल रही है। नहीं तो पहले गाँव वाले भी पहाड़ चढ़ के आते थे और उसके बाद आगे जाना तो पहाड़ था ही था, तो ये वाला सीन था। पर अब अच्छा हो गया जी, अब आप भी आ सकते हो, थोड़ी दूर है, जब भी आप मणि महेश करने आओ मत्था टेक जाओ जी, इधर भी आ गए, यही सीन है। बाइक उठाते हैं आप और निकलते हैं। वैसे आप यहाँ पर भी रुक सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी होम स्टे वगैरह रुकने की जगह है, बट हमारे साथ सीन क्या कि हम पास में ही हैं इसलिए वापस जा रहे हैं, नहीं तो काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर आके रुकते हैं, तो रुक भी सकते हो, फील कर सकते हो मॉर्निंग सनराइज सनसेट, जो भी फील करना चाहो फील करो, ऐसी चल रहे। चलो जी चलो, अब जाएंगे भरमौर, भरमौर पहुंचेंगे जी भरमौर। अब ये एक सीन होता है इस टाइम पे अगर हम वापिस जा रहे हैं तो, जो मणि महेश से जैसे जब हम उतरे थे तो यही टाइम था, तो उस टाइम पे अब ट्रैफिक ना मिले, बस ये वाला सीन है। बाकी आप ये गांव देख सकते हो, गांव के नज़ारे भी ले सकते हो। ये है जी यहाँ का ट्रैफिक। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो, इनसे कैसे बचा जाएगा, ये है क्वेश्चन सबसे बड़ा। हटो मेरे दोस्तों हटो, ओ ओ ओ ओ, आओ आ, थैंक यू थैंक यू। हाँ दी यारी, बड़ा ही औखा सी यार इन्हें ना निकलना था, चंगा पू पा पी, उनकी सीटी एक सेकंड में पहचानती है यार, उनकी सीटी बजते ही एक सेकंड में साइड होगी। बताओ 500 लोग इशारों पर चल रहे हैं उनके, 500 बेटे ते बकरियां कालियां के चिट्टियां जी। वीर मेरे देखो नज़ारा बहुत आ गया है, थोड़ा सा ट्रैफिक मिला था वो एडजस्ट हो गया, उसकी वजह से बहुत ही मिट्टी विट्टी आई थी, आके नहाए वहाए खाना वाना खाया सब कुछ सेटल है। तो ये जो हमारी भरमौर और हड़सर और मणि महेश ये यात्रा हमारी कंप्लीट हो गई है पूरी ऐसे परिक्रमा के तरीके से। कल से हम एक नई डेस्टिनेशन की तरफ चलेंगे जो कि बहुत लोगों ने रेकमेंड भी किया हमारे को, और हमारे को भी अब लगा कि चंबा तक आ ही चुके हैं, चंबा रीजन में घुस चुके हैं, तो ये करना तो बनता है। तो कल हमारी जर्नी शुरू होगी राइड के तरीके से सर पास करते हुए। तो ये है जी पूरी जर्नी की हमारी कहानी, क्या चलता है कैसे चलता है हमारे को भी नहीं पता लगता, तो इसीलिए कल एक नई शुरुआत, हर दिन एक नई शुरुआत होती है पर कल एक नई शुरुआत। तो ठीक है जी, हम तो ज़्यादा ख्याल रखो, अस्सी ज़्यादा ख्याल रखेंगे, चंगा फिर रब रखा जी। आई होप आप लोगों को ये पूरे दर्शन से लेके हिस्ट्री से लेके रिलीजियस सब कुछ पसंद आया हो, पसंद आया तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जो भी करना है करके जाइए, कसम बहुत जरूरत है सानू। कल आप फिर तो हिम्मत जुटावेंगे, फिर तो लगे रहेंगे, रब रखा।